गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर को मेडालियन के बारे में पढ़ा था, उनके जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया में ऑर्डर्स को आमाटा और उस ऑर्डर में भी सब ऑर्डर लेसर्टेलिया के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर स्क्वामाटा की बात करें तो यहाँ पर स्क्वामाटा जो है वो दो सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, लेसर्टेलिया में डिवाइडेड है और उसके अलावा सब ऑर्डर ऑफिलिया में डिवाइडेड है। दैट मीन्स लेसर्टेलिया जहाँ पे लिजार्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है, छिपकलियों के बारे में, और ऑफिडिया जहाँ पे स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में स्टडी करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो क्लास रेप्टिलिया ऑर्डर स्क्वामाटा एंड सब ऑर्डर लेसर्टेलिया, जिसके अंदर कॉमनली जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं लिजार्ड, ठीक है। जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो है लिजार्ड, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब कॉमनली लिजार्ड को बोला जाता है, स्टडी जो है उसको बोला जाता है सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड कॉल्ड सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड कॉल्ड सोरोलॉजी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के किस टाइप का हैबिटेट है, इनका कहाँ पे रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर एर्बोरियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल और एर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी जीव और एर्बोरियल बोलने का मतलब होता है पेड़ों के रहने वाले, ठीक है। तो पेड़ों में भी रह सकते हैं या फिर बर्रोइंग जीव मतलब मिट्टी खोद के धरती के अंदर रहने वाले, उस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आए कि ये जो है टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एर्बोरियल भी हो सकते हैं मतलब पेड़ों के रहने वाले भी हो सकते हैं, बर्रोइंग भी हो सकते हैं, दैट मीन्स जमीन के अंदर धरती के अंदर ये गड्ढा खोद के वहाँ पे भी रहे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इनके पास एक पेयर टेम्पोरल फोसा जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टेम्पोरल फोसा क्या होता है, टेम्पोरल रीजन में डिप्रेशन होता है स्कल में, ठीक है। स्कल में टेम्पोरल रीजन में एक डिप्रेशन होता है जो कि जॉ है उसको प्रोट्रूड करने में, आगे की तरफ खींचने में जॉ मसल को हेल्पफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पोरल फोसा टेम्पोरल बोन्स हैं ब्रेन में स्कल में, उसको जो है टेम्पोरल फोसा क्या है, वो एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है, ग्रोव है, ठीक है। तो ये इसको हम टेम्पोरल फोसा बोलते हैं, क्योंकि जॉ के मसल्स उसको प्रोट्रूड करने में आगे की तरफ बढ़ने में हेल्पफुल होता है ताकि अभोजन किया जाए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दो पेयर लिम्स मौजूद रहते हैं जो कि पेंटाडेक्टाइल होते हैं, एबिलिटी है इसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी,
खुद से अपना एक ऑर्गन डिस्ट्रॉय करना, इसको बोलते हैं ऑटोटॉमी, खुद से ही अपना एक ऑर्गन को, अपने एक ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना, वॉलंटरी ब्रेक करना, ठीक है। उसके बाद मूवेबल आईलिड्स प्रेजेंट होती है और मिक्रिएटिंग मेम्ब्रेन हियर प्रेजेंट होता है। पॉपुलेटरी ऑर्गन जो है इनके पास मौजूद रहता है, जो कि प्रोड्यूसेबल होता है
वो अपना साइज को बढ़ा के देन वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टीथ जो है वो फ्यूज रहते हैं जॉ बोन्स में और यूरिनरी ब्लैडर जो है प्रेजेंट रहते हैं। टीथ देखते रहिए और आज के वीडियो में स्नेक्स के बारे में।